अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्यूब रूट ऑफ वन बताओ, तो आप क्या आंसर दोगे कि क्यूब रूट ऑफ वन हमारे पास वन होता है। लेकिन जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू, जब दो वैल्यू निकलती हैं, एक प्लस का वन और एक माइनस का वन, उसी तरह जब हम क्यूब रूट की बात करते हैं वन की, तो हमारे पास तीन वैल्यू निकलनी चाहिए, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1/3, मतलब तीन सॉल्यूशन निकलेंगे। तो उनमें से एक सॉल्यूशन तो सब बच्चे जानते हैं कि वन ही होगा, लेकिन बाकी दो सॉल्यूशन क्या होंगे? तो बाकी दो सॉल्यूशन कोई टीचर नहीं बताता, कोई स्कूल नहीं बताता कि किस तरह। सब कह देते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, लेकिन असल में ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते क्या हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, ये निकल कर कहाँ से आते हैं, ये सारी बातें डिस्कस कराऊंगा आज इस वीडियो में। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में, और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पूरा टॉपिक सिखा दूंगा आज आपको डंके की चोट पर। शुरू करते हैं हमारी वीडियो, और आज का टॉपिक है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, तो हमें क्यूब रूट निकालना होगा किसका, वन का, क्यूब रूट ऑफ वन। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ वन, तो हमारे पास वन होता है, आंसर क्या आएगा इसका, वन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी हमारे पास पावर होती है किसी भी फंक्शन की, उतने ही हमारे पास उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसकी पावर कितनी है, 1/3, मतलब 3, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलने चाहिए, 3। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, 4, लेकिन इसके साथ हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 4, तो दो सॉल्यूशन निकले हमारे पास। जब हमने किसी का स्क्वायर रूट किया, मींस उसकी पावर 1/2 निकाली, तो हमारे पास उसके सॉल्यूशन आए 2। अगर हमें किसी का क्यूब रूट यानी 1/3 पावर निकाली हो, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, 3। लेकिन हमारे पास ये 1 तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, तो इसके बाकी दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, यही बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो उस टॉपिक का नाम होता है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, और देखते हैं कि 1 का क्यूब रूट हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास x मान लेते हैं 1/3, इसको सोल्व करना होगा हमें। तो अब इसको सोल्व करने के लिए सीधे सा मेथड है हमारे पास, क्या किसकी, देखो 1/3 है, इसको निकालने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं हमारे पास, ताकि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या बचा, या बचा x^3=1। यही है हमारे पास। अब देखो ये 1 इस साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचा कि x^-1=0 हो गया। अब देखो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम इसकी पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 क्या होती है, हमारे पास 1 ही होती है। अब a³-b³ का यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे, तो a³-b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³-b³ यहाँ लिख लेते हैं एक बार, a²+b² + ab, ये फॉर्मूला होता है हमारा a³-b³ का। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो क्या होगा हमारे पास, देखो a-b यानी x-1 इंटू a² हो गया, प्लस b², 1 का स्क्वायर कितना आया, 1, प्लस का ab, तो x·1 क्या आएगा, x=2 है हमारे पास, 0। अब देखो जब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये फैक्टर होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो उन फैक्टरों को =0 करके हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले x-1=0 होगा, तो x-1=0, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1। ये 1 वैल्यू तो हमें पहले ही पता था कि क्यूब रूट ऑफ 1 1 होता है, लेकिन एक सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिया, तो बाकी बचे दो सॉल्यूशन कौन से होंगे। अब निकालते हैं इस दूसरे फैक्टर को =0 पुट करके, तो क्या आया हमारे पास, x² + x + 1=0 पुट कर दिया हमने। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए 10th क्लास में पहुंचते हैं एक बार, और हमारे पास होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था, −b + −√b² − 4ac/2। क्या होता था कि x= होता था −b + −√b² − 4ac/2। वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि x का सॉल्यूशन क्या होगा। तो x=-b, मतलब यहाँ कोफिशियंट कितना है, −1 + −√b² 1 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास, 1 − 4ac, 1 × 1 क्या होगा, 4/2a, 2 × 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। अब इसको सोल्व करते हैं एक बार, तो क्या आएगा देखो, −1 + −1 में से जब 4 जाएगा, तो √−3 बचा / 2। अब बात करते हैं इस √-3 की, रूट के अंदर जब हमारे पास माइनस आता है, तो हमारे पास कैसे नंबर निकल कर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर निकल कर आते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो इस −√3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक बार, कि −1
प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। इस माइनस को प्लस करने के लिए हम एक आयोटा यूज करते थे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब इसको अलग अलग कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस वन एक बार प्लस ले लेते हैं तो प्लस का अंडर रूट तीन आयोटा अपॉन टू, एक सॉल्यूशन आ गया हमारा क्यूब रूट ऑफ वन का। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, एक बार बीच में माइनस ले लेंगे तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। दो सॉल्यूशन और आ गए हमारे पास, एक सॉल्यूशन तो क्या आया था वन, और जो ये दो बाकी दो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे कि क्यूब रूट के बाकी दो सॉल्यूशन क्या होंगे, तो बाकी दो सॉल्यूशन भी आ गए हैं जिनमें से एक है हमारे पास माइनस वन प्लस रूट थ्री अपॉन आयोटा अपॉन टू, और सेकंड हमारे पास माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। तो तीनों के तीनों सॉल्यूशन निकल गए हमारे क्यूब रूट ऑफ माइनस वन या प्लस वन के। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो यही होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या होता है ओमेगा, क्या होता है ओमेगा स्क्वेयर, चलते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर की तरफ। तो हमने यूनिटी के तीन जो हमारे पास सॉल्यूशन थे वो निकाल लिए हैं, उनमें से एक था वन, एक था माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और एक था माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब कुछ रिजल्ट होते हैं इनके जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टॉपिक हैं जो क्वेश्चन आएंगे उनमें यूज करने होते हैं, तो कुछ बताने वाला हूं तो ध्यान से देखना वीडियो को। तो जैसे हमारे पास एक बार ये ले लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू, एक जो हमारे पास सॉल्यूशन है एक रूट है वो है माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, यही हमारे पास है। एक बार इसका मैं स्क्वायर करके देखता हूँ कि क्या आता है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो माइनस वन का स्क्वायर आ गया प्लस वन, प्लस बी स्क्वायर रूट थ्री आयोटा का स्क्वायर आया थ्री आयोटा स्क्वायर। अब प्लस का टू ए बी तो प्लस लेकिन माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस टू रूट थ्री आयोटा अपॉन टू का स्क्वायर होता है हमारे पास फोर। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस वन, तो इसकी माइनस वन पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो माइनस थ्री में से वन जाएगा तो माइनस टू, माइनस में टू रूट थ्री आयोटा अपॉन टू निकल कर आया। अब टू पर से टू कॉमन लेते हैं तो क्या बचा, सॉरी नीचे क्या हमारे पास फोर, तो टू कॉमन लिया तो माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन फोर बचा। अब फोर से इस टू को कैंसिल कर देते हैं तो क्या आया हमारे पास, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब देखो ये वैल्यू किसकी दिख रही है आपको, जो हमारा तीसरा सॉल्यूशन था क्यूब रूट का, ये माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। कहने का मतलब क्या आया, इंटरेस्टिंग बात निकल करे कि जब हमने इस दूसरे सॉल्यूशन का स्क्वायर किया तो हमारे पास तीसरा सॉल्यूशन आ गया। और एक चीज़ और देखो कि एक चीज़ और कॉमन है कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का हम साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो हमारे पास दूसरा नहीं आ गया। तो हम इसको इसका कॉन्जुगेट हम इस तीसरे सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन का कॉन्जुगेट है, या इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आती है। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, क्या इसको नाम दे दिया हमने ओमेगा, क्या नाम दे दिया ओमेगा, एक नाम यूज करते हैं हम कि जो ये सॉल्यूशन निकला है उसको नाम दे दिया ओमेगा। तो ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है ना, तो हम इसको क्या नाम देंगे ओमेगा स्क्वायर। तो दो वैल्यू निकली, एक तो वन जो हमारा क्यूब रूट ऑफ वन था यूनिटी था उसके तीन सॉल्यूशन निकल गए, एक तो है हमारे पास वन और एक क्या है हमारे पास ओमेगा और एक क्या है ओमेगा स्क्वायर। तीन सॉल्यूशन निकल कर आए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। लेकिन जब भी कोई स्कूल होगा, कोई भी स्कूल होगा, तो आपको जब ये टॉपिक करा रहा होगा मींस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो सिर्फ आपको ये बताकर छोड़ देगा कि यूनिटी के तीन रूट होते हैं हमारे पास, एक वन एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। मैंने सब कुछ बता दिया है कि ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया। कुछ रिजल्ट अब भी बाकी हैं तो देखते हैं कुछ रिजल्टों को आगे बढ़कर। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स, कहने का मतलब जो वन के रूट्स निकले हैं उनको एक बार सम करते हैं, जोड़ कर देखते हैं तो क्या जुड़ेगा। ये हमारे पास तीन रूट वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर निकला। अब इनको एक बार ऐड करके देखते हैं तीनों को, एक दो और तीन, तीनों को ऐड करते हैं तो वन प्लस में माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, प्लस में माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। ऐड कर दिया हमने तीनों रूटों को, तो इनका ऐड करके एलसीएम लेके देखते हैं तो एलसीएम आया टू, तो टू आया या तो या बचा माइनस का वन प्लस का रूट थ्री आयोटा, या बचा माइनस का वन माइनस का रूट थ्री आयोटा। रूट थ्री आयोटा से रूट थ्री आयोटा कैंसिल।
-1 -1 प्लस -2 -2 से +2 कैंसिल, ऊपर 0 बचा, तो क्या है आंसर हमारे पास 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या निकला हमारे पास यूनिटी का 0, तो क्या आ गया एक रिजल्ट निकल कर आया 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 0। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल दिया हमने क्या कि 1 ओमेगा स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, सीधा पुट करेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0। एक रिजल्ट निकाल दिया हमने, अब चलते हैं एक और रिजल्ट की तरफ, इनकी क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट्स, तो क्यूब रूट्स क्या होगा तीनों की मल्टीप्लाई मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर यही होगा। तो एक बार इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई तो कुछ होगा ही नहीं, इन दोनों की करा देते हैं तो क्या होगा -1 √3 iota / 2। तो देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला खुलेगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आया 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट 3 का 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 जा 4। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +1, 3 और 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या निकला 1। तो क्यूब रूट, अब इनकी क्यूब निकालते हैं तो देखो 1 ओमेगा स्क्वायर क्या निकला ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 3 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आंसर क्या आया 1। तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या निकल कर आई 1। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें हम ये दो रिजल्ट पुट करेंगे कि 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0 और जो हमारे पास ओमेगा क्यूब होती है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास प्लस का 1। तो ये था हमारा टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अब भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि कोई आपको समझा नहीं पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रियलिटी में आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और बहुत सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाना ताकि उन्हें ये ज्ञान हो कि क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं होती, दो और भी सॉल्यूशन होते हैं जिनको टीचर बताते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर असल में होते क्या है। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या निकल कर आई थी -1 √3 iota / 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था -1 √3 iota / 2। तो 4-5 रिजल्ट सिखाए हैं आज आपको, अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।